नमस्कार दोस्तों, सारस्वत स्टार ऑनलाइन टाइपिंग क्लासेस में मैं प्रमोद सारस्वत आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं न्यू जॉब नोटिफिकेशंस। और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट LDC रिक्रूटमेंट की, जो कि 2756 पदों पे ये भर्ती निकाली गई है दोस्तों। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1700 पदों पे ये भर्ती प्रीवियस में निकाली गई थी, जो कि किसी कारणवश कैंसिल कर दी गई थी। और अब इसमें नए पदों को ऐड करके 2756 पदों पर अब राजस्थान हाईकोर्ट LDC का रिक्रूटमेंट जो है वो जारी किया गया है। तो दोस्तों, ये 5 अगस्त को ये विज्ञप्ति जो है वो जारी कर दी गई थी कि लगभग आपकी जो है 2756 पदों पे जो भर्ती है उसको निकाली गई है। लेकिन अभी आपका जो एग्जाम फॉर्म भरने की जो डेट है वो 22 अगस्त से चालू होकर 22 सितंबर तक चलेगी। तो आप ये मत देखिए कि 5 अगस्त को ये विज्ञप्ति जारी हुई थी, आपका फॉर्म भरने के डेट्स अभी चालू हैं। 22 अगस्त से लेकर 22 सितंबर के बीच में आप इन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम किन किन डिपार्टमेंट में ये पोस्ट निकली है। तो यहां पर राजस्थान उच्च न्यायालय, जो राजस्थान हाईकोर्ट है, इसमें आपकी जो जोधपुर और जयपुर की ब्रांच है वहां पर JJA जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की वैकेंसी है। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी में LDC सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। जिला न्यायालय में LDC सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है, जो कि हर जिले के अंदर होती है। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंदर जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो नॉन TSP एरिया में आपके जिला न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जो विधिक सेवा समिति और स्थायी लोक अदालत होते हैं उनमें ये वैकेंसी नॉन TSP एरियाज में देखने को मिलेगी। और बाकी सभी जो है वो TSP एरिया में देखने को मिलेगी और बाकी सभी वैकेंसी नॉन TSP एरिया में देखने को आपको मिलेगी। तो ये कुछ एक डिपार्टमेंट है। और यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए, आपको बेस्ट डिपार्टमेंट चाहिए, तो उसमें आपके जो नंबर है वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मेरिट आधार पर ही आपको आपकी लोकेशन और आपका डिपार्टमेंट जो है वो अलॉट किया जाएगा। आवेदन करने की समय सीमा की बात कर लेते हैं, तो 22 अगस्त से आप अपने फॉर्मों को फिलअप कर सकते हैं, जो कि दोपहर 1 बजे से चालू हो गया था। और 22 सितंबर तक आप इन फॉर्म को रात्रि 12 बजे तक आप इनको फिलअप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश आप यही कीजिए कि लास्ट डेट पे ना जाकर आप 1 या 2 दिन पहले ही इस फॉर्म को भर के कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि लास्ट वाले दिन सर्वर को अगर इश्यू होता है तो आप इस फॉर्म को भरने से वंचित हो सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क की अगर मैं बात करता हूं तो ये भी आप इसी बीच में आप अपना ऑनलाइन पेमेंट करके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों, जिन लोगों ने प्रीवियस में इस फॉर्म को भरा हुआ है, उन लोगों ने जिन लोगों ने इसकी फीस डिपॉजिट करा रखी, उनको दोबारा से रीपेमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि दोबारा पेमेंट आपको नहीं करना है अगर आपने पहले फॉर्म भर दिया है, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म जरूर भरना है। पेमेंट नहीं करना है, ऑनलाइन फॉर्म जरूर भरना है। और जो नए स्टूडेंट है उनको पेमेंट के साथ में फॉर्म भरना है। पेमेंट की अब मैं बात कर लेता हूं न्यू स्टूडेंट के लिए। तो यहां पर अपन देखते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और OBC के क्रीमी लेयर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 500 फीस के तौर पे डिपॉजिट कराना होगा। जबकि अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं, ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं या फिर आप आते हैं EWS में, तो आपकी 400 फीस रहेगी। और अगर आप SC ST के अंतर्गत आते हैं तो आपकी 350 रुपये फीस यहां पर आपको पे करनी होगी। और दोस्तों, यहां पर यह भी ध्यान रखिए कि सीधी भर्ती 2020 हेतु जारी विज्ञप्ति, जो कि 19 मार्च 2020 के क्रम में आवेदन जिन लोगों ने किया था उन लोगों को परीक्षा शुल्क दे नहीं है, लेकिन उन्हें ऑनलाइन आवेदन उन्हें जरूर करना होगा। तो ये चाहे वो लोगों ने उस समय एग्जाम दी हो चाहे नहीं दी हो, जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा हुआ है उनको रीपेमेंट करने की अब कोई नीड नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पर जो 12th के साथ ही ग्रेजुएशन भी मांगी गई है। तो यहाँ पर अगर आपने BA, BCom, BCA या कुछ भी किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जब आपकी ज्वाइनिंग होगी एट ए टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन जरूर कंप्लीट होनी चाहिए। और दूसरी चीज, यहाँ पर न्यूनतम जो शैक्षणिक क्वालिफिकेशन मांगा गया है, मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर।
तो यहाँ पर आपके पास में कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वो जरूर यहाँ पर आपके पास आप इसको लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ इस बार ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, राजस्थान गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो यहाँ पर आप CCCRACIT या जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लगा सकते हैं। और कोशिश यही करें कि आपके पास अगर गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स हैं तो आप उन्हीं को इस एग्जाम में जरूर मेंशन करें। तो यहाँ पर ये ग्रेजुएशन अगर आपकी कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं चयनित अभ्यर्थियों का जो पेमेंट स्किल है वो क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अपन देखते हैं कि 2 वर्ष की अवधि तक जो यहाँ पर 24 मंथ ये प्रोबेशन टाइम होता है दोस्तों, जब आप लगते हैं तो 24 मंथ तक आप परमानेंट नहीं होते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रोबेशनरी ट्रेनी, कि आप एक ट्रेनी के तौर पर वहां पर काम कर रहे हैं और आपकी जो सैलरी होती है वो 14,600 रुपये फिक्स पे आपको यहाँ पर जो है मिलता है। और इसके बाद में आप L5 के अनुसार आपको पे स्किल्स मिलेगी जो कि 20,800 से लेकर 65,900 की पेमेंट के बीच में आपके रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप कभी कभी ये समझते हैं कि पे मैट्रिक्स लेवल क्या होते हैं, तो मैं इसके लिए जल्दी एक नया वीडियो ला दूंगा जहां पर आपको पेमेंट स्किल्स क्या होते हैं, किस तरह से आपके भत्ते लगते हैं, किस तरह L5 L10 इनके मीनिंग्स क्या होते हैं, ये आप ज्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पर आप समझ पाएंगे। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि जल्द से जल्द आपको जो है वो नए वीडियोज में आपके पे मैट्रिक्स लेवल को मैं समझा सकूं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम सिलेबस क्या है और किस तरह से ये एग्जाम कंडक्ट होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि 300 नंबर का ये प्री पेपर जो है वो होने वाला है, और प्री पेपर में आपकी जो परसेंट मेरिट है वो यहाँ से बनेगी आपकी प्री पेपर की। जो प्री पेपर को क्लियर करेंगे वही लोग जो है वो मेन पेपर को जो टाइपिंग वाला पेपर है उसको देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि 3 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। इसमें इंडियन ज्योग्राफी, आपकी करंट अवेयरनेस और राजस्थान की जीके यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये 100-100 नंबर के पेपर है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 50-50 क्वेश्चन आपके तीनों ही सब्जेक्ट में आपको दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का वेटेज लिए हुए है, ठीक है। तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 घंटे का आपको समय होगा और 150 क्वेश्चंस आपको इसमें 2 घंटे में क्रैक करने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे और उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। साथ ही यहाँ पर आपको OMR शीट मिलेगी, मतलब ये ऑनलाइन मोड नहीं है, ये ऑफलाइन मोड है। आपको 4 ऑब्जेक्टिव में से एक सेलेक्ट करना है और OMR शीट पे वो गोला भरना होगा, ठीक है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक काफी अच्छी चीज ये भी है कि यहाँ पर कोई नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो आपको यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि 150 में से 150 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज भी एक अच्छी हो जाती है। दूसरी चीज, आप यहाँ पर मिनिमम मार्क्स आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे कि जो ST SC और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है उनको 120 नंबर लाने हैं, जबकि अदर कैंडिडेट जो है उनको 135 नंबर। ये लेकिन मिनिमम मार्क्स हैं और इन मिनिमम मार्क्स का एक्चुअली में कोई भी सेंस नहीं है दोस्तों। आप 120 135 को लेकर बिल्कुल मत चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक रूल और दिया हुआ है कि टोटल जो पोस्टें हैं, जैसे जो आपकी टोटल पोस्टें रहेगी 2756 अगर आपकी पोस्टें हैं, तो दोस्तों इसमें 5 गुना ही पास किए जाएंगे। तो यहाँ हम लगभग देखते हैं कि 13,780 बच्चों को प्री पेपर में पास किया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये भी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर 5 गुना इस तरीके से पास करेंगे कि जनरल के जितने फॉर्म आए हैं उसमें 5 गुना, EWS में 5 गुना, आपके OBC में 5 गुना, आपका ST में 5 गुना, SC में 5 गुना। तो इस तरीके से आपके जो अलग अलग कैटेगरी के 5-5 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। और इसीलिए हमने जब प्रीवियस पेपर में भी अपने रिजल्ट देखे तो वहां पर EWS जो है वो ST SC के बराबर या कह सकते हैं उससे भी कम कट ऑफ देखने को हमें मिली थी। तो यही मॉड्यूल इस बार भी रखा जाएगा कि जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी में, हर कैटेगरी में 5-5 गुना बच्चों को यहाँ पर पास किया जाना तय है, ठीक है। तो ऐसे में ये 120 और 135 नंबर का कोई क्राइटेरिया कहीं भी नहीं रह जाता है। तो आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके आपको अपनी मेरिट जो है वो आपको लेकर आनी है, ठीक है। इसके बाद में लिखित परीक्षा में आप यहाँ पर ये लिखित पेपर हो जाएगा, 13,780 बच्चे जो पास होंगे। उसके बाद में इन सभी बच्चों का, जो 13,780 बच्चे हैं उनका सेकेंड फेज पेपर होगा,
ठीक है, सेकंड पेज पेपर की भी हम बात कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो ये आप तीन सब्जेक्ट देख रहे हैं, इसका मेन सिलेबस क्या होगा, किस तरह के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में जो पेपर हुए हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे और क्या स्ट्रैटेजी हमें रखनी है, उस पर हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और मैं आपको जो इम्पोर्टेंट इसके क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, क्या बुक्स आपको पढ़नी है, वो जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो में सजेस्ट करूंगा। और प्रीवियस पेपर एनालिसिस भी मैं आपके सामने इस पेपर का लेकर आऊंगा, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और यहां से आप हमारे साथ जुड़कर इस एग्जाम की तैयारी करें और इस एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करें। दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये पेपर लगभग नवंबर के अंदर आपके होने वाला है, नवंबर के लास्ट वीक में समथिंग ये डेट जो है वो स्पष्ट हो रही है। धीरे धीरे मैं आपको एग्जैक्ट डेट भी आपको बहुत जल्द बता दूंगा, लेकिन अभी आपको समझ के चले कि नवंबर में ये पेपर आपके होने वाला है प्री पेपर। इसके बाद बात करते हैं टाइपराइटिंग जो टेस्ट है, वो टाइपराइटिंग टेस्ट होगा, वो कंप्यूटर पे होगा। और यहां पर जो बच्चे पास होंगे प्री पेपर के अंदर, जो कट ऑफ में जिनका नाम होगा वो सेकंड फेज देंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि टाइपिंग दोनों ही मांगी गई है, हिंदी और इंग्लिश। मतलब यहां पर कई जगह पे चूज करना होता है कि हिंदी करें या इंग्लिश करें, तो आपको यहां पे दोनों ही टाइपिंग करनी है, हिंदी टाइपिंग भी और इंग्लिश टाइपिंग भी। और दोनों का ही ड्यूरेशन 5-5 मिनट का होगा, ठीक है। इसमें 25-25 मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब 50 नंबर का टाइपिंग पेपर होगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं एसटीएससी और फिजिकल हैंडीकैप के मिनिमम मार्क्स 20 नंबर आने चाहिए और फॉर अदर कैंडिडेट के 22.5 नंबर। ये जो 20 और 22 है ये 25 में से नहीं 50 में से है, कि 50 में से 22.5 नंबर मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर इससे नीचे है तो आपके चाहे प्री में कितने भी नंबर हो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, मतलब आपका रिजल्ट जो है वो फेल कर दिया जाएगा तुरंत ही, ठीक है। तो ये आपके मिनिमम मार्क्स आपको लेकर आने हैं। तो अगर आप प्री में स्कोर अच्छा करते हैं तो यहां पर अगर आप थोड़े नंबर कम भी ले आते हैं तो इसका कोई बड़ा इश्यू नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए, मेरिट में आना है, कंपटीशन जिस तरीके का है, आपको 100 में से 100 नंबर ही लेकर चलने हैं, बिल्कुल हाँ दोस्तों, टाइपिंग में सेक्शन बी में ये ऐसा पार्ट है जिसमें 100 में से 100 नंबर भी स्टूडेंट्स के आते हैं। और आप लोग अगर इस चीज की तैयारी कर रहे हैं तो सारस्वत स्टैनो क्लासेस की ओर से टाइपिंग और एफिशिएंसी के स्पेशल बैच जो है वो चलाए जा रहे हैं। आप 9870601888 पे कॉल करके इसकी अधिक जानकारी ले सकते हैं। यहां पर हम आपको प्रॉपर सॉफ्टवेयर पे ही जो स्टैनो सॉफ्टवेयर जो आपके सॉरी टाइपिंग और एफिशिएंसी के सॉफ्टवेयर है उन्हीं पे हम आपका ये काम करवाएंगे और आपके पूरे में से पूरे नंबर आपको लेने का कॉन्फिडेंस और देंगे और साथ ही आपके पूरे में से पूरे नंबर लाने की हम कोशिश भी जो है वो करेंगे। तो सेकंड जो पेपर होगा वो 10 मिनट का पेपर होगा और ये 50 नंबर का पेपर है। इसमें आपकी जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे ये एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें फॉर्मेटिंग जो होगी, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आएगी, टेबल किस तरीके से यूज किए जाते हैं, उस पर क्या मेथड लगते हैं, फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर जो गवर्नमेंट के फॉर्मेट क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसको आपको वर्ड सॉफ्टवेयर पे ही जो है पेपर देना होगा। तो इस तरीके से आपका ये 20 मिनट का पेपर होने वाला है और 20 मिनट के पेपर में के 100 मार्क्स होंगे जो जोड़ेंगे और 300 नंबर का आपका प्री का पेपर है। तो 400 में से आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी और इसी आधार पे आपको जो जिला है और जो आपका डिपार्टमेंट है वो आपको अलॉट किया जाएगा। टाइपिंग की छोटी मोटी बात कर लेते हैं। वैसे मेरे को इसमें आपको डीप नॉलेज भी देनी है कि अपने को स्पीड क्या चाहिए, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि 30-35 चाहिए कि 50-60 चाहिए, तो इस पे मैं आपके लिए जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है, कि अपन इसका मेथड कैलकुलेशन किस तरीके से निकालते हैं और किन किन फॉन्ट्स पे यहाँ पर होती है। तो कृति डेवलिया 010 फॉन्ट पे और कैलिब्री इंग्लिश के अंदर और हिंदी में कृति देव 010 पे। तो यहां पर मैंने आपको शॉर्ट में जानकारी दी है। बाकी इसका स्किल टेस्ट किस तरीके का होगा, प्रीवियस पेपर किस तरह का हुआ था, इस पे मेरा जो हम लोग आगे वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम आपको इसकी प्रॉपर जानकारी जो है वो आपको देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि यहीं से आपको सबसे सटीक जानकारी जो है वो आपको मिलेगी। और साथ ही दोस्तों अगर आप कर रहे हैं इस एलडीसी का सपना, अगर आप ले रहे हैं और इसको पूरा अगर आप करना चाहते हैं, तो अभी आप ज्वाइन करें सारस्वत स्टैनो क्लासेस को 9870601888 पे आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं।
सकते हैं स्पेशल बैच चलाए जा रहे हैं हाई कोड टाइपिंग को लेकर। यहाँ पर आपका जो सीपीटी है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, आपका हिंदी इंग्लिश टाइपिंग है, इसकी आपको 100 एंड 100 मार्क्स की तैयारी जो है वो हम आपकी करा देंगे। और इसीलिए आप लोग क्योंकि काफी बड़े टास्क हैं, काफी टाइम बाद ये भर्ती हाथ में आई है, इसको बिल्कुल आप जाया नहीं करें, अपनी परफेक्ट तैयारी करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं फॉर्म भरने से रिलेटेड या और भी किसी भी तरह की कोई भी आपको क्वेरी अगर होती है तो सारस्वती स्टेनो क्लासेस की टीम आपके साथ 24/7 आप लोगों के साथ है। चाहे वो प्री पेपर की तैयारी हो, चाहे वो फॉर्म भरने की तैयारी हो, चाहे वो स्किल टेस्ट की तैयारी हो, ए से लेकर जेड तक सारस्वती स्टेनो क्लासेस की टीम जो है वो आप लोगों के साथ हमेशा बनी रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।